गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 20 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 20 वीडियो में हम लोग आज चैप्टर 1 का विविध प्रश्नावली देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 10x+7 द्वारा परिभाषित फलन है। एक ऐसा फलन जी आर टू आर ज्ञात कीजिए जिसके लिए जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए अपने डोमेन आर में। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ आइडेंटिटी होने का मतलब यह हुआ कि यह फंक्शन जी आर टू आर जो ये फंक्शन जी जो है फंक्शन एफ का इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। अगर यह इसका इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तभी यहाँ पे एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ आइडेंटिटी होगा, ये हम लोग जानते हैं। चलिए, यानी कि हमें इस फंक्शन का इन्वर्टिबल फंक्शन निकाल देना, इनवर्स फंक्शन निकाल देना, वही आपका फंक्शन जी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास फंक्शन एफ दिया है आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 10x+7। अब इसका इन्वर्टिबल फंक्शन इनवर्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन इन्वर्टिबल होना चाहिए। इन्वर्टिबल होने का मतलब यह 1 1 और 2 होना चाहिए। तो पहले चेक कर लेंगे 1 1 और 2 है कि नहीं, तभी ना उसका इनवर्स निकालेंगे। चलिए, तो इसके लिए 1 1 के लिए पहले देखते हैं, लेट एफ एक्स वन बराबर में एफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर, आर से बिलोंग करेगा। चलिए, तो यहाँ से एफ एक्स वन का वैल्यू 10x+7 और इसका हो जाएगा 10x2+7। तो 7 से 7 कट गया, 10x1 बराबर में 10x2, 10 से 10 भी कट जाएगा, x1 बराबर x2। therefore f is 1 1, f जो है फंक्शन f यह 1 1 हो गया, एक एकी हो गया। अब चलिए अनटू के लिए बात कर लेते हैं, लेट y बराबर में fx, यानी कि y बराबर में यहाँ से हो जाएगा 10x+7। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा या इधर घट जाएगा, ये आएगा भाग, x का वैल्यू हो जाएगा y-7/10। तो यह हमें रियल प्राप्त होने के लिए y भी रियल होगा। y अगर रियल नंबर रखते हैं, y की जगह कोई रियल नंबर रखते हैं तो x का भी मान रियल ही होगा। y अगर रियल नंबर कोई भी रखते हैं तो x का भी मान क्या प्राप्त होगा, रियल। हम लोग देख रहे हैं कि सहप्रांत आर के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर में है। तो यहां से कह सकते हैं कि एफ इज अनटू। फंक्शन एफ 1 1 भी हो गया और अनटू भी हो गया। जब 1 1 अनटू हो गया, अतः एफ एक्स व्युत्क्रमणीय फलन है। तो यह आपका इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, व्युत्क्रमणीय फलन हो गया। तो उसका इनवर्स एफ इनवर्स डिफाइन होगा कैसे, आर टू आर पर, और उसको कैसे लिखेंगे, एफ इनवर्स ऑफ वाई बराबर में क्या हो जाएगा, y-7/10। तो यही जो होगा आपके जी वाई के बराबर होगा। ठीक है, यही जी वाई के बराबर होगा, यानी कि हमारा जी वाई जो फंक्शन है वो आ गया y-7/10। क्योंकि अगर यह आपका इनवर्स है, अगर फंक्शन एफ का यह इनवर्स होगा तभी जाके जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी बराबर होगा आइडेंटिटी फंक्शन के। ठीक है, अपने डोमेन पे आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर कब होगा, जब यह दिए हुए फंक्शन एफ का इनवर्स है तब। तो ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन एफ था, उसका इनवर्स निकाल दिया और यह इनवर्स ही आपका फंक्शन जी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी आइडेंटिटी होना चाहिए। तो यह आपका इनवर्स होगा तभी ना, आपका फंक्शन एफ का यह इनवर्स होगा तभी यह डिफाइन हो पाएगा। तो यह आपका इनवर्स निकाल दिए, तो यही आपका फंक्शन जी वाई हो गया। समझ गए, चलिए अगला।